नॉर्मैक्सिन टैबलेट, यह डॉक्टर आपको कब प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या डोज होता है, कितना दिन लेना चाहिए, कैसे इसका बेनिफिट साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर आप पूरी बारीकी से जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। पहले हम बात करेंगे नॉर्मैक्सिन टैबलेट के बारे में। तो इसे जो बनाता है बस स्टॉपिक लेबोरेटरी है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट 23 रुपीज़, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है। इसे आपको इन तरह की समस्याओं में लेना रहता है, जब आपके पेट में गैस हो, आपकी एसिडिटी बढ़ी हो, आपको डायरिया हो रहा है, या जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, संडास करने में तकलीफ हो रही है, संडास ज़्यादा हो रही है, तभी भी आपको डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। या खाना की वजह से आपके पेट में गैसेस ज्यादा बन गई है, तब डॉक्टर से देते हैं। या खाने के गैसेस की वजह से आपको जैसे पेट में दर्द हो रहा है, तब डॉक्टर से देते हैं। या जैसे कि आपको क्रैम्पिंग हुआ, कहीं तनाव खिंचाव की वजह से जो दर्द होता है, तब डॉक्टर से देते हैं। यह इजीली पासेस करता है गैस और रिड्यूस करता है जो कि स्टमक डिस्कम्फर्टमेंट, यानी आपके पेट में जो अबनॉर्मलिटीज है उसे कम करने में मदद करता है। कहीं भी तनाव खिंचाव अगर आपको हो रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसे भी कम करता है। सडन जो दर्द होता है, टप टप करके जो दर्द होता है, उसे कम करता है। इसे तभी भी दिया जाता है जब आपके दिमाग में हमेशा उलझने बने रहती है और आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहता है। और जैसे कि जिसकी वजह से आपको नर्व पेन हो रहा है, या जैसे कि नर्व की ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि अगर आप काफ़ी दारू वगैरह पीते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, तब डॉक्टर से देते हैं। या ज़्यादा स्मोकिंग अगर आप करते हैं जिसकी वजह से आपको ये समस्या बन गई है, तब डॉक्टर से देते हैं, जिसमें नर्व पेन हो रहा है या ज़्यादा काफ़ी आपके दिमाग में एक्टिविटी या उलझने चल रही है, तब। तो इसके डोज के बारे में बात करें तो मोस्टली इसका जो डोज रहता है ओरी डोज रहता है, वंस डेली लेना रहता है। इसे चबाना नहीं रहता है और क्रश नहीं करना रहता है, डायरेक्ट पानी के साथ में निकलना रहता है। कभी कभी आपको वन डोज में नहीं फर्क पड़ता तो डॉक्टर ट्वाइस भी बोल सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर आपके वजन आपको देख के जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, डोज बताते हैं, उसे जरूर फॉलो करें। कोई डोज मिस कर जाए तो सिंगल डोज फॉलो करें, डबल डोज लेने की कोशिश नहीं करें। अगर डबल डोज लेंगे तो हो सकता है कि आपको कमजोरी वगैरह फील हो सकती है। तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मुंह में पानी की कमी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, और जैसे कि काफ़ी वीक फील कर सकते हैं, काफ़ी कमज़ोर फील कर सकते हैं, धुंधलापन दिखाई दे सकता है, और जैसे कि आपको चलने में थोड़ा चक्कर वगैरह महसूस हो सकता है। ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है इसी वीडियो में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।